YouTube फैमिली गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। अभी हम लोगों ने व्यू पॉइंट हम देखने आए थे, सनराइज़ देखने आए थे और मैंने आप लोगों को दर्शन कराया ये सोनभद्र जो उद्गम स्थल है उसका। सो अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले को ब्लॉग में जाके देख लीजिएगा। और अभी हम लोग प्लान किए हैं कि हम लोग माई की बगिया जाएंगे। तो माई की बगिया जाने का ये जो मेरे पीछे जो रास्ता दिखाई दे रहा है ये माई की बगिया की ओर जाएगी। तकरीबन 100 मीटर आसपास होगा यहाँ से, तो हम लोग वहीं देखने जाने वाले हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए आगे चल के दिखाऊंगी मैं कैसे दिखता है, क्या व्यू है, क्या लोकेशन है। तो लेट्स सी। ये देखिए मॉर्निंग के नज़ारे कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। मॉर्निंग में जो घूमने का मज़ा है वो अलग ही है, जो मॉर्निंग में घूमने में जो आनंद मिलता है वो अलग ही है। तो अगर आप लोग घूमते हैं तो अच्छी बात है, नहीं घूमते हैं तो घूमा करिए, अच्छा लगता है, माइंड फ्रेश रहता है, बॉडी को एनर्जी मिलती है और दिन भर जो हम लोग का दिन भर का जो दिनचर्या है वो बहुत अच्छा जाता है। तो इस तरीके से ये माई की बगिया के लिए रास्ता गया हुआ है। और चलिए आगे चल के देखते हैं और क्या क्या दिखाई देता है। तो आप लोग जैसे कि देख रहे होंगे यहाँ पे कितने सारे बंदर हैं। वैसे तो ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं, बस इनको छेड़खानी करने से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। लेकिन वही है कि भाई बंदर सब कुछ भी कह नहीं जा सकता है, सावधानी तो खुद को बरतनी है। तो यहाँ हमारे कंटेक्ट में आप कहीं भी जाएंगे हर जगह आपको बंदर ही बंदर देखने को मिलेगा। हम लोग अभी ये माई की बगिया पहुंच चुके हैं और आगे हम लोग को देखने के लिए मिलेगा कि कैसे दिखाई देता है। यहाँ पे माई की बगिया में आरती का टाइम हो रखा है, अभी आरती हो रहा है। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं हमें आरती देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है कि नहीं। और ये जो मेरे पीछे में ये जो दिखाई दे रहा है इधर से ही एंट्री है। तो चलिए आगे चल के देखते हैं, तो अपना ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, अंदर चलते हैं बगिया की ओर, माई की बगिया कैसे दिखाई देता है। जो ये जो माई की बगिया है वो पूरी तरीके से जो नर्मदा माता है, जो लॉर्ड शिवा हैं, जो शंकर भगवान हैं, उनकी पुत्री हैं और उन्हीं पे पूरा समर्पित है ये बगिया। यहाँ पे दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर भी है, दर्शन कर लीजिए। जय हनुमान जी। गाइस यहाँ पे जो नर्मदा माता हैं वो अपने बचपन के टाइम में अपनी सहेली गुल्फ कौली उनके साथ यहाँ पे खेला करती थी, उनके साथ खेलने, उनके साथ यहाँ पे पुष्प तोड़ने और फल तोड़ने ये सब करने के लिए आया करती थी। जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ आज भी बहुत सारे फल फूल के वृक्ष आज भी पाए जाते हैं, बहुत सारे पुष्प हैं, गुलाब, गुल्फ कौली ये सब पाए जाते हैं। और जो ऐसा आज भी मान्यता है कि जो नर्मदा माँ है उनकी जो सहेली है वो यहाँ पे गुल्फ कौली पुष्प के रूप में आज भी विद्यमान है और नर्मदा माता जल के रूप में विद्यमान है, जिससे यहाँ की जो प्राचीन जो धारणाएं हैं, जो प्राचीन जो बातें हैं वो सत्य साबित होती हैं। सो गाइज वो सबको भी दर्शन आपको कराया जाएगा। चप्पल जूते उतारने होंगे जैसे कि हर मंदिर में उतारा जाता है। और यहाँ पे हम अपने चप्पल जूता उतार चुके हैं और चलते हैं मंदिर के अंदर की ओर, देखते हैं माई की बगिया का अंदर का व्यू इस तरीके से दिखाई देता है। इस तरीके से ये जो मंदिर है यहाँ पे ये वाली जो मंदिर है यहाँ पे नर्मदा माता विद्यमान है, ठीक है। और वो जो आपको उधर दिखाई दे रहा होगा वो गुल्फ कौली है, जो नर्मदा माता की सहेली है, वहाँ पे उनका पुष्प पाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जो उधर जो मेरे पीछे वहाँ पे दिखाई दे रहा है वो गुल्फ कौली का पुष्प है, वो जो पौधा लगा हुआ है। और वो पौधा जो आँख के जितने भी रोगी होते हैं, जितने भी रोग होते हैं उसके लिए बहुत ही लाभदायक है, वो आँख का जो रोग होता है उसको दूर करता है। तो वो जो नर्मदा माता की जो फ्रेंड है, जो उनकी सहेली है, वो आज भी उस पौधे के रूप में वहाँ विद्यमान है, गुल्फ कौली।
हाथ से दिखाती हूँ गुलबकली। गुलबकली का ये पौधा कैसे दिखाई देता है, तो ये है गाइस गुलबकली, ये इस तरीके से दिखाई देता है। और यही नर्मदा माता, ये नर्मदा माता की ये सहेली है, जो इस तरीके से आज भी प्रमाण के रूप में, ये आज भी इस पौधे के रूप में विद्यमान है। और ये आँख की रोशनी या आँख की बीमारी दूर करता है और आँख की रोशनी के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो अच्छे से दर्शन करिए गाइस। और माता नर्मदा, उनकी मंदिर इधर है, यहाँ पे माता नर्मदा विद्यमान है, तो घर बैठे उनका दर्शन करिए। जय माँ नर्मदे, जय माँ नर्मदे, हर नर्मदे। सो गाइस दर्शन करिए। यहाँ का जो मौसम है वो बहुत ही अच्छा है। मैं सजेस्ट करूंगी कि ये गर्मी के मौसम के लिए बहुत ही कूल इन्वायरमेंट है। यहाँ पे इतना ठंडा ठंडा हवा, धूप एक भी नहीं आया हुआ है, तो ये ठंडी ठंडी जगह गर्मी टाइम पे बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे नर्मदा माता का चरण कुंड दिखाती हूँ। ये यहाँ पे नर्मदा माता का ये चरण कुंड है, घर बैठे दर्शन करिए। हर हर नर्मदे, ये नर्मदा माता का प्रतिमा स्थापित किया गया है, लेकिन मेन जो है ये इनका ये चरण कुंड है, जो सदियों वर्षों से यहाँ पे स्थापित किया गया है। सो गाइस ये है शिव कुंड। आगे चलिए मैं आप लोग को ये चरण कुंड है, जो नर्मदा माँ है उनके चरण के बगल में ही बनाया गया है चरण कुंड। और आगे चलिए मैं नर्मदा कुंड आप लोगों को आगे नर्मदा कुंड दिखाती हूँ। सो गाइज ये है नर्मदा कुंड, ये जो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से दिखाई देता है, जो नर्मदा माँ है उनके चरण चरण के जस्ट अपोजिट में बनाया गया है, वो नर्मदा कुंड है। तो गाइस ये है आम कुंड, जो शिव कुंड के अपोजिट साइड में बनाया गया है। तो हम लोग यहीं पे अपना वीडियो, अपना ब्लॉग एंड करते हैं। और बताइएगा आपको माई की बगिया कैसा लगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइए कि माई का बगिया आपको कैसा लगा। यहाँ पे बोला जाता है कि ये जो मौसम है एकदम ठंडा ठंडा, ये बादल बादल मौसम, ये 12 महीने रहता है, ऐसे ही मौसम रहता है। थोड़ा सा भी धूप होने से यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाती है, और बारिश ऐसी नहीं है कि पूरा अमरकंटक में होगा, वो कहीं कहीं जहाँ जहाँ बादल रहता है वहाँ वहाँ पर बारिश होता है। तो मेरा वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा।